हेलो स्टूडेंट्स दिस इज योर पॉक्सो क्लास एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक जॉय गेट्स एन इंजेक्शन सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी इट्स अ लेजी विंटर संडे मॉर्निंग अर्पित एंड पोक्सो आर वाचिंग अ घोस्ट कार्टून शो बट दे आर फीलिंग बोर्ड विंटर सीजन की मॉर्निंग है और डे कौन सा था संडे पोक्सो एंड अर्पित वो क्या कर रहे हैं घोस्ट कार्टून शो देख रहे हैं बट वो बोर हो रहे हैं बोथ ऑफ दैम वॉन्ट टू गो आउट इन प्ले बट इट इज़ टू अर्ली वो दोनों क्या चाहते थे कि वो घर से बाहर जाके खेल लें बट बहुत सुबह सुबह है अभी तो इसलिए वो नहीं जा पा जा सकते अर्पित मदर एंड फादर हैव टू टेक हिज बेबी सिस्टर टू अर डॉक्टर अर्पित वॉन्ट्स टू गो विद दैम बट हिज मदर डजेंट अलाउ दिस अर्पित के पेरेंट्स हैं वो उसके सिस्टर को डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं अर्पित भी जाना चाहता था बट उसकी मदर ने मना कर दिया सो अर्पित आस्क हिज फादर फिर अर्पित क्या करता है अपने फादर से पूछता है अर्पित अर्पित फादर डेट ही एंड पोक्सो कैन कम वो दोनों उनके साथ जा सकते हैं बट ही विल नॉट बी एबल टू वॉच हिज फेवरेट कार्टून वेन ही रिटर्न बिकॉज ही विल हैव टू डू हिज होमवर्क अर्पित के फादर ने क्या बोला कि अर्पित एंड पोक्सो उनके साथ वो हॉस्पिटल है जा तो सकते हैं डॉक्टर के पास जहाँ जा रहे हैं वो बट वहाँ से वापस आने के बाद है अर्पित अपने कार्टून शो नहीं देखेगा वो वापस आके क्या करेगा अपना होमवर्क करेगा अर्पित हैप्पीली एग्रीज और अर्पित है वो एग्री हो जाता है मान जाता है दे ऑल गो टू हॉस्पिटल अर्पित एंड पोक्सो हैव बिन कमिंग टू दिस प्लेस सिंस देअर बेबीज वो हॉस्पिटल में जाते हैं हॉस्पिटल उनके लिए कोई न्यू प्लेस तो था नहीं वो जब से वो छोटे थे वो तब से यह हॉस्पिटल जा रहे थे देर जस्ट सी मैनी बेबीज़ विद देर मदर्स दे हैव नेवर सीन सो मैनी बेबीज टुगेदर अर्पित वंडर्स वाई ऑल ऑफ डेमवर देर यहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे बेबीज़ हैं वो अपनी मदर्स के साथ हैं हॉस्पिटल में आए हुए हैं और अर्पित ने इतने सारे बेबीज कभी भी एक साथ नहीं देखे थे और अर्पित है वो हैरान हो जाता है कि इतने सारे बेबीज़ हैं वो अपनी मदर्स के साथ यहाँ पे क्यों आए हैं ही आस्क हिज फादर फादर सेज ऑल दिस बेबीज विल गेट एन इंजेक्शन फ्रॉम द डॉक्टर सो दैट दे डू नॉट फॉल सिक एंड स्टे हेल्दी एंड देयर विल बी मोर इंजेक्शंस दैट विल बी गिवन टू बेबीज फ्रॉम टाइम टू टाइम तो अर्पित के फ़ादर ने उसे क्या बताया कि ये बेबीज़ इतने सारे बेबीज़ हैं वो क्यों आए हैं डॉक्टर के पास ताकि वो डॉक्टर से है इंजेक्शन लगवा सकें और सिर्फ आज ही नहीं वो आगे भी है वो बार बार जाएंगे डॉक्टर के पास ताकि वो इंजेक्शन लगवा सकें दिस इज़ कॉल्ड वैक्सीनेशन बेबीज़ को है टाइम टू टाइम है बहुत सारे इंजेक्शन से दिए जाते हैं वैक्सीनेशन होती है और वो क्यों होती है वैक्सीनेशन ताकि उन्हें बहुत सारी डिसीज से है बीमारियों से है, बचाया जा सके स्टूडेंट्स अब आप में से जिनके घर में छोटे बेबीज़ हैं आपने कभी नोटिस किया है कि उनको भी यह डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है वैक्सीन के लिए वैक्सीनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इट सेव्स अस फ्रॉम मैनी डिस सो दे ऑल कीप विजिटिंग द डॉक्टर्स यू ऑल्सो हैड दिस इंजेक्शंस वेन यू आर अ बेबी अब अर्पित के फादर ने क्या बताया कि जब अर्पित एक ऐसे छोटा बच्चा था तो उसे भी है ऐसे ही इंजेक्शन से दिए जाते थे उसकी भी वैक्सीनेशन हुई थी यस आई रिमेम्बर वेरी वेल हु कैन फॉर एन इंजेक्शन एन अ टूथ एक्स विद अ स्माइल अ स्माइल्स टू अर्पित ने क्या बोला कि हाँ मुझे याद है मुझे तो सब सब भी याद है अब देखो अर्पित को तो याद है कि उसकी वैक्सीनेशन हुई थी वो डॉक्टर के पास गया था इंजेक्शन के लिए स्टूडेंट्स आपको याद है नाउ आफ्टर वॉचिंग द वीडियो हैव टू डू टू थिंग्स रीड दिस चैप्टर सेकेंड थिंग डिस्कस विद योर पेरेंट्स अबाउट योर वैक्सीनेशन थैंक यू